देख रहे हैं जनधन टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर जयपुर में हैं। केंद्र और राज्य सरकार की 12 योजनाओं के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों वाली रैली को उन्होंने संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने विकास को रोकने का काम किया है, वसुंधरा सरकार ने उसे गति दी है। अपनी परंपरा के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप किस प्रकार स्वागत सम्मान करता है, कैसे सत्कार और अपनापन देता है, इसकी साफ साफ झलक मैं आज अनुभव कर रहा हूं। राजस्थान की जमीन की क्या सच्चाई है, जन का क्या मत है, ये इस विशाल मैदान में हर किसी को दिखाई देता है। राजस्थान निरंतर ऐसे ही हम सब पर अपना स्नेह बरसाता रहा है। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आभारी हूं और इस वीरों की धरती को नमन करता हूं। बीते 4 वर्षों से राजस्थान 2 गुनी शक्ति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राजस्थान की सरकारें मिलकर के आप सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। करीब 2100 करोड़ से अधिक इसकी 13 योजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर मिला। साथियों, 4 वर्ष पहले की स्थिति आप भूले नहीं होंगे और मैं राजस्थान के लोगों से आग्रह करूंगा कि 4 साल पहले की कौन सी स्थितियां थी, किन परिस्थितियों में वसुंधरा जी को कारोबार संभालना पड़ा, पिछली सरकार राजस्थान में कैसे हाल छोड़ के गई थी, उन बातों को कभी भूलना मत। तब जाकर के पता चलेगा कि आज काम कैसे हो रहा है। इस प्रकार राजस्थान में सिर्फ नेताओं के नाम पर पत्थर जड़ने की होड़ मची हुई थी। बाड़मेर में अब जो रिफाइनरी बन रही है उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है।